समझ आ गया आपको तो थियोरी वाली अप्रोच नहीं लेनी इसमें आपने क्या करना है जैसे कि अटोमिक मास लिखा हुआ है मोरल ऐसा पढ़ लीजिए इसको ठीक है बट डोंट एक्सपेक्ट ये सब फ्रेंकली uh, चीज़ें बड़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये ए एम यू और ये सब बस हाँ ये देख लीजिए कि दर समथिंग कॉल अटोमिक मास यूनिट है ना फिर इट इज नाट कॉल्ड यू अटोमिक मास यूनिट भी नहीं बोलते है, उसको अब यूनिफाइड मास बोलते है एक बुक में मैं ये पढ़ रहा था कि इसको आई थिंक डाल्टन पढ़ता डाल्टन लिखा हुआ इसमें लिखा हुआ हाँ तो किसी के एक बुक में ये भी लिखा हुआ है अभी फ्रेंकली इफ यू वास मी ये जो वन ट्वेल्व द मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है बच्चों को समझने में थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा बट वट एम ट्राइंग टू टेल यू इज टेक अ वेरी प्रैक्टिसनर पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिशन पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है ये मैंने आपको जैसे ये मोलर मास दिए हैं ठीक है ना ये पाँच पाँच दस पंद्रह आप ये पंद्रह क्वेश्चन कीजिए आप समझ रहे हैं फिर आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए ये भी मैं आपको समझाऊंगा बट पहले आप ये पंद्रह क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए फिर धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ जो लिखा हुआ है ये जो यहाँ तामझाम लिखा हुआ है ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बट अगर आपको नहीं भी समझ आता तो चिंता मत कीजिए देखिए लिखा लिखा क्या हुआ है वो ये ले कर रहे आप भाई इतना मैं फिर से कह रहा हूँ अगर नहीं समझ आया तो चिंता मत करना ये मत सोचना कि अगर तुझे ये डेफिनेशन समझ नहीं आई तो तू ये नुमेरिकल नहीं कर सकता ये नुमेरिकल बेसिक मैथ्स है इसमें केमिस्ट्री का कोई रूल नहीं है ये बात समझ आएगी तो चिंता मत करना यूजली तो बच्चों को मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ तू तो थोड़ा समझ आ रहा है इसलिए तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ तो नहीं समझ आया तो छोड़ देना देख तो सिक्सटी वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप वॉज चूजन एज स्टैंडर्ड प्रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस तो कार्बन 12 आइसोटोप so करके एक प्राणी है अब थोड़ा सा मैं तुझे आइसोटोप के बारे में बताता हूँ क्योंकि तेरे सिलेबस में है ये मैडम आप भी सुन लो आप ही थोड़ा रिविजन हो जाएगी आइसोटोप थोड़ी रिविजन हो जाएगी देखिए सर कार्बन जो है छोटो छह इलेक्ट्रॉन अब कार्बन के छह प्रोटॉन और छह इलेक्ट्रॉन तो एटम में हमेशा होंगे तो ऐसा होगा मतलब जो न्यूक्लियस में यहाँ छह प्रोटॉन तो हमेशा बैठे होंगे और आसपास जो शेल्स हैं उसमें छह इलेक्ट्रॉन्स हमेशा होंगे यहाँ तो कोई डाउट है अब ऐसे मान लीजिए कि ये जो कार्बन है ना इसके फ्लेवर्स आते हैं फ्लेवर्स आते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी आता है वनीला आता है कसाटा आता है ऐसे मान लीजिए उसके फ्लेवर्स आते हैं इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता याद है ठीक है है वो आइसक्रीम भाई वो आइसक्रीम ही है तो कार्बन के फ्लेवर्स आते हैं अब एक फ्लेवर में मित्र छः न्यूट्रॉन आते हैं न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता तो चार्ज पे तो फर्क ही नहीं पड़ता इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता निग्लिजिबल माना जाता है भाई साहब बैठिए यहां तक मेरे साथ है रिपीट करूं कार्बन के फ्लेवर्स आते हैं आप ये मान के चलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा वो आइसोटोप का एक अलग लेक्चर है वो मैं आपको भेजूंगा उसमें डिटेल में बात की यहां मैं मोलर मास पे करना चाहता हूँ नहीं तो मैं भटक जाऊंगा रास्ते से वैसे मैं काफी आगे चला गया तो वो आइसोटोप का अलग एक रिकॉर्डिंग है वो मैं भेज दूंगा आपको बट ऐसे मान लीजिए कि आइसोटोप्स का मतलब होता है फ्लेवर्स जो एटम्स हैं वो डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं तो कार्बन ऑक्सीजन ये सब फ्लेवर्स में आता है फिर से देखिए तो एलिमेंट जो है वो अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं तो आइसोटोप्स का मतलब फ्लेवर्स यहां तक समझ आ गया तो कार्बन की आइडेंटिटी है छः प्रोटॉन तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होने वाले हैं है ना अब जो फ्लेवर हैं उसमें जो चेंज आप कर सकते हैं ना वो न्यूट्रॉन में चेंज कर सकता है तो एक फ्लेवर आता है जिसमें छह न्यूट्रॉन होते हैं और दूसरा फ्लेवर आता है जिसमें आठ न्यूट्रॉन आते है यहां तक मेरे साथ है तो मैंने अभी कार्बन के दो फ्लेवर्स आपको बताए एक कार्बन का फ्लेवर होगा जिसमें छे प्रोटॉन छे इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे फ्लेवर में छह प्रोटॉन छे इलेक्ट्रॉन होंगे यहां तक मेरे साथ है अब जो दो फ्लेवर्स में डिफरेंस है वो ये है इसमें छह न्यूट्रॉन होंगे और इसमें आठ न्यूट्रॉन होंगे यहां तक मेरे साथ है ये दो फ्लेवर्स में चेंज है आपको मैं दो मिनट पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन का मास निगलिजेबल होता है तो कंसिडर नहीं होता तो अगर आप देखेंगे मासस में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं तो इसको लिख दिया जाता है सी बारह और इसको लिख दिया जाता है सी चौदह ये कार्बन के दो फ्लेवर यहां तक मेरे साथ है कोई डाउट तो नहीं है ये सी चौदह जो है ये काम आता है रेडियो एक्टिविटी में कभी करेंगे आप सी चौदह जो है वो रेडियो एक्टिव होता है कार्बन डेटिंग कभी आप ज्योग्राफी वगैरह में देखेंगे कि पुरानी चीज़ें मिलती हैं ना दस हज़ार साल पुरानी पचास हज़ार साल पहली बीस हज़ार साल पहला स्केल्टन मिला ट्रीज मिले या कुछ भी पुरानी मिला तो वो सी चौदह की कार्बन डेटिंग होती है वो अलग से टॉपिक है वो करेंगे कभी यहाँ तक मेरे साथ है तो अभी तक दस एक मिनट की डिस्कशन में ये बात हुई कि कार्बन के दो फ्लेवर्स आते हैं एक सी बारह आता है एक सी चौदह आता है सी बारह और सी चौदह में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन में आ रहा है यहां तक मेरे साथ है कोई डाउट तो नहीं अब इनमें ये जो सी बारह है इसको चूज किया गया किसके लिए देखिए इन 1961 सिक्सटी वन फॉर एक्सेप्टेड अटोमिक मास यूनिट सी बारह आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड प्रेफरेंस फॉर मेजरिंग अटोमिक मासस कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाहता है आपको समझ आ गया कार्बन का फ्लेवर थे उसमें से एक फ्लेवर को उठाया सी बारह को कि तू चल हमारे साथ अब से तू अटोमिक मास यूनिट को डिफाइन करेगा यह बात इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है ये समझ आ गया अगली कविता में वन अटोमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ मास ऑफ वन एटम ऑफ सी बारह फिर से पढ़ता हूं मैं हाँ मैं इस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था बट ठीक है आप समझ लीजिए और नहीं भी समझ आएगा तो कोई घंटा फर, फर्क पड़ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता यहां तक ठीक है बट क्योंकि फीस मैं पूरी आपसे ले रहा हूँ तो एक बार समझा देता हूँ बाकी रिकॉर्डिंग है आप देखते रहिए वन एटोमिक मास यूनिट मतलब वन ए एम यू इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन ट्वेल्थ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन बारह इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि सी बारह को आपने बुला लिया और C12 को बोला कि देख ऐसा है कि आज से वन ऑटोमिक मास यूनिट वुड बी एक बटा बारह ऑफ द मास ऑफ C12 ट्वेल्व एटम नहीं समझ में आया C12 ट्वेल्व एटम का जितना मास होगा उसका एक बटा बारह वुड बी इक्वल टू ए एमयू वन एमयू यह बात समझ आ गई अब ये मित्र ये स्टैंडर्ड हो गया इसको स्टैंडर्ड बोल दिया गया कि अब दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके जो मासेस हैं, उसमें जो वन ई एमयू है तो वन ए आपसे कोई पूछे मार्केट में जाते जिलानी के सामने से निकल रहे हैं जिलानी का ओनर पूछता है या वो समोसे वाला पूछता है अरे तर बता वन ए क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे सी बारह का एटम ले लीजिए सी बारह का एटम का जितना भी मास है उसका वन ट्वेल्थ कर लीजिए तक तक मेरे साथ तक मेरे साथ साथ है है ये डेफिनेशन की दूसरी कविता में पंक, दूसरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है ये समझ आ गया द रेलेटिविक मासजल एलिमेंट है जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे सबका जो मासेज है विल बी डिफाइंड एज पर की वन ए एम यू क्या डिफाइंड था वन ट्वेल्थ द मास ऑफ सी बारह का आइटम सी चौदह को क्यों नहीं लिया ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया हाइड्रोजन को क्यों नहीं लिया पता नहीं सर मुझे तो बुलाया नहीं मीटिंग में नाइनटीन सिक्सटी वन में जो बताया मैं लिख दिया नहीं समझ में आया कुछ कहना चाहते हैं अब यहां पर इन्होंने एक समझाने की कोशिश की है देख लीजिए वाटरमेलन का बारह हिस्सा कर दिए यह जो है ये डिफाइन कर दिया वन ए तो अगर दूसरी तरफ आई थिंक टमाटर पड़े हैं। दो टमाटर हैं तो ये दो टमाटर का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा वन ए के तो एक टमाटो का मास इन टर्म्स ऑफ ए एमयू कितना होगा ये बात समझ आ गई तो ठीक है नहीं समझ आई तो भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार ये या आपके साथ आपका मित्र बैठा है इसको कुछ नहीं पता एमयू के बारे में बट क्वेश्चन कुछ नहीं पता बट क्वेश्चन कर रहा है उसमें क्वेश्चन में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक मेरे साथ है भाई कुछ बोलना चाहते हैं तो हाइड्रोजन एक कार्बन बारह नाइट्रोजन चौदह ऑक्सीजन सोडियम मैग्नीशियम, सल्फर क्लोरीन, कैल्शियम ये जितने जो भी लिखा हुआ है ऊपर लिख रहे यहां लिखा हुआ है U तो ये विद रिस्पेक्ट टू कार्बन एटम का वन ट्वेल्थ जो था उसके रिलेटिव है अब इसमें आइसोटोप में फ्रैक्शन फ्रैक्शनल मासेस बनते हैं और ये सब बातें आती है वो सब अलग सी बातें और उसके अलग से वीडियोस हैं कभी आप वहां जाना होगा तो चले जाना आपकी जरूरत नहीं है आपको कोई खास जरूरत नहीं है वहां तक जाने की यहां तक मेरे साथ है पक्का अब जो मैं आपको पंद्रह बीस मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब ज्ञान चाहिए नहीं सर नहीं चाहिए क्यों नहीं चाहिए इसलिए नहीं चाहिए आपको कोई बोलता है कि मोलर मास ऑफ दबस्टांस निकालिए आपको तो पता ही नहीं मोल क्या होता है फर्क पड़ता है नहीं सर नहीं फर्क पड़ता यकीन मानिए नहीं फर्क पड़ता आपको अजीब सा लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है ये मोलर के बारे में पता नहीं है मैं आपको बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैलकुलेट द मोलर इसको प्योरली फ्रॉम अ मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू देखना है केमिस्ट्री आने ही नहीं देनी आपने आपके साथ जो सज्जन बैठा है उसने केमिस्ट्री बीच बिल्कुल आने नहीं दी उसको मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल समझ आ गया कि कैसे करना तो वो क्या करता है जैसे सी एच फोर दिया हो वो ये देखता है कि सी एच फोर का जो मॉलिक्यूल है उसमें एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है ये तो समझ आ रहा है मुंह के नीचे हाथ रखोगे सो जाओगे एक तो बढ़िया सा मौसम होता है चार बजे का और ये वास्तु दोष है इस घर में नींद आ जाती है बच्चों को बहुत जबरदस्त ये तो सो जाता है आधा पौना घंटा है आधी फीस मेरे फ्री की देता है सोने की देता है पूछ लो इससे महीने की आधी फीस सोने का है मैं सोच रहा हूँ बेडबुड लगा इसके लिए बढ़िया था सो जाता है यहां पर मम्मी को पता नहीं शायद पता चलेगी तो फीस ले लेगी मेरे वापस तो मोलर मास हमें पता नहीं हमें बट ये तो समझ आता है कि सी एच फोर के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन और चार हाइड्रोजन एटम है इतनी अकल हमें है नहीं सोचना अरे मैथ्स में एक्स वाई फोर लिखा हुआ है तो मतलब एक्स एक है और वही चार है ना मैथ ही चल रहा है ज्यादा हम डिटेल में गए नहीं केमिस्ट्री में बस ये है कि इसको नीचे रख दिया इसको ऊपर नहीं लगाया बस एक ही बात है तो मैं आपको ये कहने की कोशिश करूं कि अगर वो केमिस्ट्री वाले क्या है वो चीजों को कंफ्यूज कर दें आप उस रास्ते में चलेंगे परेशान होंगे वो सब परेशानी मैं झेल के आऊं सो आई टेक इट फ्रॉम अ वेरी मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू कि यार मैथ्स के हिसाब से क्या हो रहा है सी एच फोर का मॉलिक्यूल उसमें एक कार्बन चार हाइड्रोजन ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है ना मित्र ये लिखा हुआ है वो जो हम अभी बात कर रहे थे ना यू यहां तक मेरे साथ है तो आपने क्या करना है तो इसका जो मोलर मास निकालना है तो एक कार्बन का बारह है तो आपने बारह लिख दिया एक है तो आपने फोर लिख दिया तो ये सिक्सटीन अब इसके जो यूनिट्स लिखे जाते हैं वो ऐसे करके लिखे जाते हैं सिक्सटीन ग्राम पर मोल मैं दो मिनट समझाऊंगा फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक वेरी एलिमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं दो मिनट समझाऊंगा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सिक्सटीन ग्राम पर मोल का मतलब यह हुआ कि अगर आपने एक मोल सी एच फोर लिया वन मोल ऑफ सी एच फोर लिया उसका जो मास होगा वो कितना होगा सिक्सटीन ग्राम होगा ये बात समझ में आ गई कोई डाउट है रिपीट ओके। वन मोल ऑफ सी एच फोर अगर आप लेंगे वन मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स लेंगे आप उनका जो मास होगा वो सोलह ग्राम होगा रिपीट करो। देखिए एक तो केमिस्ट्री वालों को गंदी आदत है वेट बोलने की आपने कभी वेट नहीं बोलना आपने हमेशा क्या बोलना है मास ये यहां पर भी इसने कुछ अपनी कलाकारी दिखाई होगी मैं आपको दिखा देता हूं शायद एनसीआरटी वाले हैं तो इनको शायद थोड़ी शर्म हो बाकी ना मार्केट में वो वेट वेट बोलते हैं हाँ नहीं इन्होंने तो मास ही लिखा हुआ है बाकी कलाकारी इसको वेट वेट भी बोलते हैं तो वेट नहीं लिख... बोलना है इसको मास बोलना है फिर से मैं समझाता हूं सिक्सटीन सिक्सटीन ग्राम पर मोल सी एच फोर का मोलर मास है समझने की कोशिश कीजिए बोर्ड में क्वेश्चन आ रहा है दो नंबर का अब रेडियो एक्टिविटी को छोड़ दे उसकी जान छोड़ दे अब शांत रख बंद कर दे उसको दो मिनट सुन ले अब। 16 ग्राम पर मोल मीथेन का मोलर मास है इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाहता है कभी यह कहना चाहता है कि अगर आपने वन मोल ऑफ मीथेन गैस ले ली चिंता मत कीजिए मीथेन गैस में मीथेन के मॉलिक्यूल्स ही होंगे आप चिंता मत कीजिए ऐसा नहीं होगा कि उसमें कार्बन के आइटम भी हैं और हाइड्रोजन के भी आइटम हैं और हाइड्रोजन गैस भी है वो विचित्र से दिमाग में आपके जो ख्याल आते हैं उनको उनका गला घोट दीजिए तो वन मोल ऑफ मीथेन गैस का मतलब एक मीथेन गैस का ऐसा सिलेंडर होगा ऐसा सिलेंडर होगा ये काली बिली में बैठते हैं टैक्सी में बैठते हैं उसके पीछे सिलेंडर पड़ा होता है तो ऐसे मीथेन के सिलेंडर्स मिल जाते हैं चिंता मत कीजिए उसमें मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन फ्राना निमाना कुछ नहीं होता उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ तक बात समझ आ गई अब मार्केट में जाइए और उसको बोलिए सर मुझे ना सोलह ग्राम का एक मीथेन का सिलेंडर चाहिए सुन लीजिए आप उसको बोलिए कि मुझे सोलह ग्राम नाप के मीथेन गैस का सिलेंडर चाहिए वो भर देगा कैसे भरेगा जैसे कि सी की गाड़ी आप लेके जाते हैं पेट्रोल पंप पे वो जाते हैं ना उफ करके भरता है तो वो आपको 16 ग्राम भर देगा उसकी चिंता मत कीजिए यहाँ तक मेरे साथ है अब आपकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उस 16 ग्राम मीथेन का सिलेंडर जो है उसमें कितने कितना मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वन मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी शांत गदादारी भीम जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है इधर उधर जंप मारेंगे बीच में घूम जाएंगे पैर में मोह जाएगी पैर सूख जाएगा हाँ साजा याद है मेरे साथ है। रिपीट करूं। मार्केट में गए सिलेंडर लिया 16 ग्राम उसमें मिथेन की गैस डाल दी ठीक है तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास वन मोल ऑफ मिथेन गैस है ये समझ आ गया उसमें वन मोल ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल्स हैं। ये समझ आ गया अब सृष्टि का ये नियम है कहां से आया कैसे आया गोली मारो लोगों ने बहुत रिसर्च की हुई है आप चिंता मत कीजिए उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे अरिद्र जी बोलिए कितने होंगे सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन रेसुआवर ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स नहीं समझ में आया नहीं समझ में आया यहां तक मेरे साथ है एक स्टेप और आगे लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सी एच फोर कितने सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री मोलिक्यूल्स ऑफ सी एच फोर यहां तक मेरे साथ है अब एक स्टेप और आगे लीजिए और मुझे ये बताइए कि कार्बन कितना होगा पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री कार्बन होगा मतलब वन मोल ऑफ कार्बन होगा ये बात पकड़ में आ गई हाइड्रोजन कितना होगा फोर टाइम्स फोर इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन एसवर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स हो गया आ, 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 मोल्स बोल दीजिए एक्चुअली मॉलिक्यूल्स नहीं बोलना चाहिए ये बात पकड़ में आई या नहीं आई फिर से बोलो फिर से बोल देता हूँ देख लीजिए देखिए ये तो हमें समझ आ गया कि एक मोल एक मोल सी एच फोर गैस का जो मास होता है वो सोलह ग्राम होता है ये तो बात पल्ले पड़ गई एक मोल सी एच फोर गैस में सिक्स पॉइंट ओ टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री सी एच फोर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बात भी दिमाग में घंटी बजा गई अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बन कितने होंगे तो आप बोलेंगे सर सिक्स पॉइंट ओ टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री और मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन कितना होगा तो आप बोलेंगे फोर इंटू सिक्स पॉइंट ओ टू टू इंटू टेन एस्कोवर ट्वेंटी थ्री यहां तक मेरे साथ है कोई डाउट तो नहीं है अब फाइनली एक चीज और सुन लीजिए जिससे पूरी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी ये सोलह ग्राम पर मोल है ये जो है ये नंबर है ये मास नहीं है ये नंबर है सिक्स पॉइंट ओ टू टू इंटू टेन एस्कोवर ट्वेंटी थ्री जैसे वन डजन में बारह केले होते हैं ना तो ये नंबर है ये भी जो है ये नंबर है याद तक मेरे साथ है अरे आपसे मैं बोलता हूं यार वन डजन सी एच फोर ले आओ तो आप बारह सी एच फोर लेके आओगे ना ये बात समझ में आ गई पल्ले बड़ी नहीं पड़ी तो जैसे डजन जो है उसके अंदर बारह नंबर होता है उसी तरह वन मोल के अंदर सिक्स पॉइंट ओ टू टू इंटू टेन ट्वेंटी थ्री नंबर होता है यहाँ तक मेरे साथ है ये आपका साथ में टेंथ का भी काम हो चुका है जैसे कि ये लड़का आपके सामने बैठा हुआ है इसके टेंथ के बोर्ड में केमिस्ट्री में ये दो नंबर या तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा जो अभी आपने डिस्कस किया यहाँ तक मेरे साथ है फिर से देख लीजिए क्या बातें हुई हमारी यहाँ पर एक टेक्निकल डेफिनेशन आपको बताई गई कि वन ई e का मतलब क्या होता है तीन पंक्तियाँ थी एक एक करके आपको हर पंक्ति का मतलब बताया गया यहाँ तक समझ आया उससे पहले हमने क्या किया उससे पहले हमने आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया आइसोटोप्स क्या होते हैं? बेसिकली फ्लेवर्स होते हैं। तो आइसोटोप्स में होता क्या है आइसोटोप्स में ये होता है? है कि किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए किसी भी एलिमेंट्स को ले लीजिए जैसे ऑक्सीजन को ले लीजिए ठीक है या क्लोरीन को ले लीजिए ठीक है तो क्लोरीन के जैसे फ्लेवर्स आएंगे यहाँ तक मेरे साथ हैं तो जैसे विदाउट गोइंग इन टू डिटेल्स क्लोरीन का जो ऑटोमिक मास है वो सत्रह तो फ्लेवर्स में जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो सेम होंगे जो डिफरेंस है वो किस में आएगा न्यूट्रॉन्स में यहाँ तक मेरे साथ है मैडम तो कोई डाउट है तो क्लोरीन के जैसे दो फ्लेवर आएंगे उनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा न्यूट्रॉन में फ़र्क आएगा यहाँ तक समझ आ गया फिर आपको बताया गया कि ये डेफिनेशन आपको बता दो कि बता दो दी बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे मोलर मास निकालो सो फ्रॉम अ वेरी प्योर मैथ्स पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं कोई भी आप मुझे देंगे तो उसका मोलर मास मैं निकालूंगा फॉर so, एग्जाम्पल अगर आप मुझे एच देंगे और बोलेंगे कि इसका मोलर मास निकाल दीजिए तो मुझे समझ आ रहा है कि यार इसमें दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन का मास वन है प्लस एक ऑक्सीजन है तो इसको मुझे ऐड करना है तो अठारह और मास क्या होता है यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल मतलब एक मोल ऑफ वाटर अगर आप लेंगे तो अठारह ग्राम उसका मोलर मास होगा इसका उल्टा ये भी है कि अगर आप अभी जाके टैप में से 18 ग्राम वाटर निकाल लेते हैं अभी जाके वो टैप से 18 ग्राम वाटर निकालते हैं ग्लास में ले लेते हैं तो उसमें सिक्स पॉइंट ओ टू टू इन टू टेन ट्वेंटी थ्री ऑफ एच टू मिल जाएगा आपको यहाँ तो कोई डाउट है वाटर के इतने ज़्यादा आपको मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे यहाँ तो कोई डाउट है और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे गए उसके बाद हमने ये देखा कि अगर मेरे पास वन मोल ऑफ अगर मेरे पास वन मोल ऑफ एच टू ओ है भाई तेरे लिए ये दोबारा नहीं समझा रहा ये लेक्चर है इसको देखो चार बार अगर आपके पास वन मोल ऑफ वाटर है तो बेसिकली आपके पास दो मोल ऑफ हाइड्रोजन और वन मोल ऑफ ओ जो भी बोल दीजिए एंटिटीज हैं यहां तक मेरे साथ है हाँ एटम होगा और ये ये भी एटम होगा ये भी एटम होगा और ये जो है ये मॉलिक्यूल होगा बेसिकली एटम भी नहीं इसको बोलना चाहिए इसको इसका कॉन्स्टिट्यूंट बोल देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट जैसे यार सिंपल है एक चेयर आपके पास है अगर आपके पास चार चेयर है तो आपके पास लेग पीस कितना है नहीं समझ में और डैडी जी जाके आठ चिकन ले आए मार्केट से तो कितनी टांगे घूम रही होंगी कुकर के अंदर अच्छा के बैठे हो और कुकर में आठ चिकन डाल दिया डैडी जी ने कढ़ाई में तो उसके अंदर कितने लेग पीस घूम रहे नहीं सर मैं तो वेज हूँ तो मैं तो काउंट ही नहीं कर सकती चिकन जी बताइए सोलह होंगे ना सोलह लेग पीस हैं खा सकते हैं आप नहीं सोना मैडम मूड तो नहीं खराब हुआ आपका नहीं समझ में नहीं सर मैं तो लेग पीस नहीं खाऊंगा मैं तो गोट खाऊंगा मैडम तो अभी मुझे लगता है दो मिनट तक वॉमिट कर देगी तो चार गोट्स आ गई तो कितने लेग पीस आए अरित्र जी सोलह लेग पीस आ गए ना नहीं समझ में माता जी कोई डाउट भाई अरे बता दीजिए ज़रा कैसे करेंगे बहुत बढ़िया ट्वेल्व इंटू टू वन इंटू फाइव शाह बस बहुत बढ़िया नौ दस सोलह दो तीन चार तो फोर्टी सिक्स ग्राम पर मोल इसका क्या हो गया मोलर मास नहीं सुना अब आपको ये बात समझ आई कि वन ऑटोमिक मॉस यूनिट आप डिफाइन कैसे करते हैं उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है वो एक बार इसलिए आपको समझा देगी यूजली कोई पूछता भी नहीं है बिकॉज समझ भी नहीं आता आते टाइम तो टीचर को ही नहीं समझ आता ठीक है बता दिया आपको तो मैं मैं लेक्चर के शुरू में आपको बताया था कि मोलर मास काउंट करने के लिए वन एम क्या होता है उसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है आपको ये बात समझ आ गई तो भाई साहब यहाँ ऐसे झूल रहे हैं ऐसे उनको भी नहीं पता बट उनके क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ समझ आ गया भाई जी को तो आगे भी जाना है इक्वेशन सॉल्व करनी है इनका थोड़ा लंबा रास्ता है तो मैं आपको अभी वर्कशीट भेजी है आप ये तीन क्वेश्चन कर लीजिए मैडम आपके भी है ना मोलर मास नाइन्थ में ही है ना सर रित्र ये पंद्रह क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट और कैल्सिक यूज कर लीजिए तू भी कर ले भाई भाई को डाउट है